नमस्कार दोस्तों, टीवी का टीवी के इस एपिसोड में आज हम चलेंगे चिड़ावा के महान संत परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज की जीवनी की तरफ। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है बुगाला। ये गांव नवलगढ़ से 12 मील पूर्व में स्थित है। आज से 200 साल पहले इस गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित गणेश नारायण जी महाराज का अवतरण शक संवत 1903 में पोष कृष्णा प्रतिपदा गुरुवार के दिन हुआ। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज का उच्च कुल और विद्वान सात्विक परिवार में जन्म लेना ये सिद्ध करता है कि पंडित गणेश नारायण जी महाराज अपने पूर्व जन्म में भी योगी थे। पिछले जन्म में आपकी साधना पूर्ण नहीं हो सकी, उसी को पूर्ण करने के लिए आपको पुनर्जन्म धारण करना पड़ा। आरंभिक शिक्षा घर पर ही समाप्त करके पंडित गणेश नारायण जी महाराज पाठशाला में जाने लगे। उन दिनों पंडित रूडेंद्र जी के निर्देशन में एक पाठशाला चल रही थी। बोलो पंडित गणेश नारायण जी महाराज की जय हो। कहावत के अनुसार शिशु गणेश ने थोड़े समय में ही आरंभिक व्याकरण ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। गुरुजी की इस महान कृपा के कारण अपने छंद, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद की अच्छी योग्यता प्राप्त कर कर्मकांड और तंत्र विद्या में भी पंडित गणेश नारायण जी महाराज ने दक्षता प्राप्त कर ली। इनका विद्यार्थी जीवन से ही छंद और कविताएं लिखना शुरू हो गया था। आपके हाथ की लिखी हुई कई संस्कृत और हिंदी कविताएं प्राप्त हुई हैं। इनको पढ़ने से पता चलता है कि पंडित गणेश नारायण जी महाराज की भाषा में निखार आ चुका था। इनके पिताजी को भी इन्होंने एक पत्र संस्कृत में लिखा था, जिसमें इनकी विद्वता सहज ही प्रकट होती है। पंडित गणेश नारायण जी के लिखे हुए पिंगल के कई सूत्र भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही पंडित जी ज्योतिष में भी सद्धस्त हो चुके थे। इसका पता हमें इस कथानक से लगता है। एक बार उनके चाचा जी नानक राम जी का एक छोटा लड़का बीमार हो गया। बड़े भाई घनश्याम दास जी घर पर नहीं थे। नानक राम जी ने घबरा कर विद्यार्थी गणेश से कहा, बेटा मेरे छोकरे का टेवा देखना, देख तो सही ग्रहों का क्या चक्कर है। इतना सुनते ही गणेश नारायण जी ने टेवा लेकर फलादेश निकालना शुरू कर दिया और निर्भीक स्वभाव के कारण तुरंत कह दिया कि कल दोपहर तक ही जिएगा। ये सुनते ही घर के सभी लोग रोने लगे। इतने में ही घनश्याम दास जी भी बाहर से आ गए और रोने का कारण पूछने लगे। तो छोटे भाई ने कहा, गणेश ने टेवा देखने के बाद ये बात कही है कि मेरा बेटा कल दोपहर तक ही जी पाएगा। ये सुनकर भाई को डांटते हुए घनश्याम दास जी बोले, अरे मैं अभी जिंदा हूं, मेरे से क्यों नहीं दिखलाया। गणेश तो मूर्ख है, बच्चा है, ये क्या टेवा देखेगा। ऐसा बोलते हुए उन्होंने खुद ने टेवा देखना शुरू किया। देखा तो पता चला टेवे में तो मार्केश पड़ा हुआ था। 12 बजे ही मर गया। इस प्रसंग से इनकी बुद्धि की प्रखरता और अपने विषय पर पूरा अधिकार होने का प्रमाण मिलता है। नवलगढ़ में ही रहने वाले गोपीनाथ जी के मंदिर के पुजारी जोधराम जी की पोत्री और चतुर्भुज जी की लड़की सौभाग्यवती श्योनंदी देवी से विक्रम संवत 1915 में केवल 11 साल की उम्र में ही इनकी सगाई हो गई थी। और 2 साल बाद जब इनका अध्ययन चल रहा था, विक्रम संवत 1917 में इनकी शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद आपने फारसी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन दिनों चौखानियों की छतरी, जहां आजकल परसरामपुरियों का बागीचा है, वहां एक अमीर शहजादा केशर शाह नाम का एक प्रतिष्ठित विद्वान मुसलमान रहता था। इसी मुसलमान से बाबा ने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। शादी के बाद बाबा ने विद्याध्ययन छोड़ दिया। गणेश नारायण जी महाराज सदैव ही गृहस्थ जीवन से विरक्त रहते थे। गृहस्थी में इनका मन नहीं लगता था, विशेषकर ईश्वर चिंतन में रत रहा करते थे। संवत 1932 में एक लड़का हुआ था जो केवल 12 महीने का होकर ही मर गया था। इसके बाद आपके 2 कन्याएं हुई थी, जिनमें बड़ी का नाम कुंडनी बाई और छोटी का नाम भानी बाई था। पंडित गणेश नारायण जी महाराज विशेषकर दुर्गा का अनुष्ठान करके ही जीविकोपार्जन किया करते थे।
दुर्गा माँ के अनुष्ठान बड़े ही भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि से किया करते थे। अनुष्ठान की प्रसिद्धि के कारण एक बार पंडित गणेश नारायण जी को संवत 1942 में देवकर्ण राम कुमार चौखानी ने अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए नवरात्रों में दुर्गा का अनुष्ठान करवाया। इस अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पहले पंडित जी ने चौखानी से कह दिया, मैं नवरात्र 9 रोज भूखे रहकर करूंगा, मेरे से 9 रोज तक कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर पंडित गणेश नारायण जी महाराज नवरात्रों में बैठ गए। दिन रात उसी कमरे में रहते थे। नगर में रहने वाले दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणों को जलन होने लगी कि ये कल का छोकरा गणेश अपने अभिष्ट में सिद्ध हो गया है और इस तरह उसकी सिद्धि तो हमारा धंधा चौपट कर देगी। वो रोजाना आकर सेठ को गुमराह करने लगे। वो कहने लगे, ये तो बाहर ही नहीं निकलता इस कमरे से, यदि किसी कारण से अंदर ही मर गया तो सेठ जी इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। इसलिए 8वें दिन सेठ से नहीं रुका गया और उसने दरवाजे को झकझोर कर आवाज लगाई। जब दरवाजा झकझोरा तो देवी साक्षात प्रकट हो रही थी। उसी समय देवी अंतर्ध्यान हो गई और पंडित गणेश भी अर्ध विक्षिप्त हो गए। गणेश कई दिनों तक चौखानियों के मंदिर में, जिसमें एक ही जलेरी में 11 शिवलिंग है, उसी पर जल चढ़ाते रहे और उसी जल को अपने सिर पर डालते रहे। घर भी नहीं जाते थे। पंडित गणेश नारायण जी महाराज बड़े ही दृढ़ निश्चयी और सच्चे साधक थे। विक्रम संवत 1944 को घर बार छोड़कर दुर्गा के दूसरे स्वरूप शमशान काली की उपासना करने लगे। पंडित गणेश नारायण जी बाहर से लोगों को देखने में पगले से दिखाई देते थे, पर अपने आत्म कल्याण के लिए माँ भुवनेश्वरी देवी के स्वरूप की साधना करते रहते थे। वो भुवनेश्वरी देवी का श्लोक हमेशा रटा करते थे, ओम बाल रवि द्युति मिंदु क्रियम तुडंग कुचान्यंत्रणय युक्ताम सुमेर मुखिम वरा वरदांगम पुष्पाशा भीति कराम प्रभजे भुवनेश्यम। परंतु इस मंत्र का उत्कीलन नहीं होने के कारण ये मंत्र भी सिद्ध नहीं हो सका। परमहंस तो दृढ़ निश्चयी और सच्चे साधक थे। भुवनेश्वरी देवी का मंत्र सिद्ध न होने से वो निराश नहीं हुए। विक्रम संवत 1944 में घर बार छोड़कर अपने जीवन की समस्त शक्तियों को लगाकर दुर्गा के दूसरे स्वरूप शमशान काली की साधना करने लग गए। जाप और ध्यान करने से पंडित जी से शमशान काली दुर्गा शीघ्र सिद्ध हो गई। ऐसा सुना जाता है डकार मंत्र के द्वारा दुर्गा ने परमहंस जी को शिव की आराधना करने का आदेश दिया। ओम ड ड ड शिव का बीज मंत्र है ड। इस नाते परमहंस जी ने ड का जाप शुरू कर दिया और शिव भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगे। डकार शिव का वाचक भी है और इसे पद के आदि में विन्यास करने से शोभा को बढ़ाने वाला है। डकार मंत्र ड मंत्र, यह उल्लेख हमें ड शोभावृत रत्नाकर टीका देखने से पता चलता है। इस साधना में आपको बहुत जल्द सफलता प्राप्त हो गई और पंडित गणेश नारायण जी महाराज शीघ्र ही त्रिकालज्ञ हो गए। आप तुरीय अवस्था में रहने लगे। इस नाते संसार आपको पागल समझने लगा, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुषों की स्थिति ऐसी ही होती है। अद्वैत सिद्धांत सार में एक श्लोक आता है, बुद्धा दिवेत्तस्य तत्वस्य जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अबुद्ध्वा वेतस्य तत्वस्य जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। अद्वैत सिद्धांत यानी अद्वैत तत्व जानने वाले योगी को सभी मनुष्य अज्ञानी पागल और पिशाच की तरह नजर आते हैं। इसी प्रकार योगी भी संसार के सभी मनुष्यों को अज्ञानी पागल के समान दिखलाई पड़ते हैं। ठीक यही स्थिति परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज की हुई। समस्त लोग इनकी इस तुरीय अवस्था को नहीं पहचान सके और बावड़िया पंडित कहकर ही संबोधित करने लगे। पंडित जी कुछ दिनों नवलगढ़ में रहने के बाद गुढ़ा गौड़ जी में आ गए। वहां पर आप 12 महीने तक घूमते रहे, भटकते रहे। गुढ़ा गौड़ जी के लोग आपकी विद्वता पहले ही सुन चुके थे, इसलिए आपको
परमहंस के रूप में देखा करते थे। एक रोज गुढ़ा में एक ब्राह्मण अतिथि आया हुआ था। वो अपनी विद्वता का दंभ भर रहा था। उसने समस्त नागरिकों को अपने साथ शास्त्रार्थ करने को कहा। एक ब्राह्मण पंडित ने परमहंस जी को भी वहां ले जाकर बैठा दिया। उन्होंने आपसे ही शास्त्रार्थ करने को कह दिया। शास्त्रार्थ करने वाले पंडित जी ने न्याय शास्त्र के आधार पर आत्मा और परमात्मा के संबंध का कोई श्लोक कह दिया। परमहंस पंडित जी ने न्याय सिद्धांत का खंडन कर वेदांत के अनुसार अपने पक्ष का मंडन किया और शास्त्रार्थ करने वाले पंडित को अपनी ज्ञान शक्ति से पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ करने वाले पंडित का दर्प चूर्ण हो गया और परमहंस जी के पैरों में वो पड़ गया। और उसी दिन आपने गुढ़ा गौड़ जी छोड़ दिया और जसरापुरा आ गए। 6 महीने तक पंडित गणेश नारायण जी महाराज जसरापुर के शमशानों में रहे। इन्होंने अंतर्दृष्टि से ये जान लिया था कि साधना के लिए सबसे उत्तम भूमि चिड़ावा के आसपास की है। इसलिए विक्रम संवत 1947 के लगभग पंडित गणेश नारायण जी महाराज चिड़ावा में आ पहुंचे। चिड़ावा के लोगों ने भी आपको नहीं पहचाना और बावलिया पंडित के नाम से पुकारने लगे। पंडित गणेश नारायण जी महाराज जिस समय चिड़ावा में पहुंचे उस वक्त वो पूर्ण अघोरी अवस्था में थे और उन्होंने चिड़ावा को साधन स्थल बना दिया। दुर्गा माँ द्वारा प्रेरित डर डर का ही ध्यान और डर डर का जाप करते हुए आप शिव स्वरूप बन गए। बाकी के जीवन का समय पंडित गणेश नारायण जी ने चिड़ावा में ही लीलाएं करते हुए बिताया। इस समय तक आपने वस्त्र नहीं त्यागे थे। पंडित जी अघोर पद्धति से ही साधना करते थे। इस पद्धति से साधना करना बहुत कठिन है, परंतु इसके द्वारा साधक शीघ्र ही शिव स्वरूप हो जाता है, इसलिए अन्य साधनों से ये सुलभ भी है। इस साधना में शिव का सानिध्य रहना चाहिए और साथ ही शिव की क्रीड़ा स्थली शमशान में ही ये साधना होती है। पंडित जी ने दोनों ही स्थान चुन लिए। शिव के सानिध्य के लिए चौरासियों का शिवालय और चिड़ावा की शमशान भूमि, आप दोनों जगह रहने लगे। इस साधना में साधक को सभी पदार्थों के प्रति ग्लानी नहीं रहती। कुत्ते, सुअर और घृणित पशुओं से भी भेदभाव नहीं रहता। स्नान करना इस पद्धति में निषिद्ध है। जल का उपयोग केवल पीने के लिए किया जाता है, वो भी उच्छिष्ट गंदा जल हो या फिर निर्मल जल। सभी प्रकार के जल उपयोग किए जाते हैं। सभी शास्त्र सम्मत कार्य इस साधना में निषिद्ध हैं। इस प्रकार का कठिन कार्य साधक को अपनाना पड़ता है। ठीक यही मार्ग परमहंस पंडित गणेश नारायण जी ने अपनाया और साधना में रत हो गए। ऐसा जीवन देखकर बहुत से लोग पंडित जी को पागल समझते थे और बावलिया पंडित कहकर ही पुकारा करते थे। पंडित जी अपनी मस्ती में घूमते और जो कुछ भी मिल जाता उसे गुदा से लगाकर खा लेते और डर डर का मंत्र जपते रहते। ऐसे परमहंसों के सानिध्य में वही लोग आते हैं जिनके पुण्य कर्म प्रकट होते हैं या जिनको अहुभाग्य होता है। पंडित जी की सेवा में भाग्य अनुसार कुछ व्यक्ति रहने लगे। इनमें पिलानी और चिड़ावा के कई नाम शामिल हैं। ऐसे परमहंसों के मुंह से जो भी कुछ निकल जाता है वो सत्य सिद्ध घटित होता है, क्योंकि ऐसे परमहंसों के हृदय में निवास करने वाला परम तत्व ही बोलता है। ये चमत्कार देखकर कई लोग पंडित जी की अनन्य भक्त हो गए। कई लोग इनसे डरने भी लगे, क्योंकि अनिष्ट घटने वाली घटनाओं का भी पंडित जी संकेत दे दिया करते थे। संसार की दृष्टि में पंडित जी पागल थे, परंतु पंडित गणेश नारायण जी महाराज तो सच्चे साधक थे। अपने जीवन भर उन्होंने निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण किया और इनके संपर्क में बहुत ही कम लोग आते थे। स्त्रियां और बच्चे तो इनसे डरते थे, क्योंकि आपकी वेशभूषा ही डरावनी थी। जैसे शिव जी ने अपने विवाह के समय बनाई थी, वही वेशभूषा पंडित गणेश नारायण जी की थी। आप समाज में बहिष्कृत और शास्त्रों में भी निषिद्ध नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पूरे ही थान को नीला रंगवाकर आप उसे फाड़ फाड़ कर चाहे जैसे ही लपेट लेते थे, सिलवा कर
कभी भी नहीं पहनते थे। घोर साधना में किसी भी पदार्थ के प्रति घृणा नहीं रहती है। आपका आचरण अशिव होते हुए भी आप शिव स्वरूप थे। शिव की ही भांति आपका भिक्षा पात्र खप्पर की जगह हंडिया था, यानी एक हांडी, और त्रिशूल की जगह लकड़ी थी, और शंकर भगवान की तरह ही आप नीले वस्त्रधारी थे। शंकर शमशान सेवी हैं तो पंडित गणेश नारायण जी भी शमशान में ही लेट लगाते थे। शंकर श्वान सेवी है और पंडित जी के साथ भी श्वान रहा करते थे, साथ ही खाते थे। हजामत बनवाने की पंडित जी कभी भी परवाह नहीं करते थे। इच्छा होती थी तो करवा लेते थे, अन्यथा 5-7 महीनों तक बाल बड़े ही रहते थे। खेड़ी का पानी पीने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती थी। अपने हिंदू शास्त्रों में इस प्रकार के योगी को साक्षात शिव का स्वरूप ही माना गया है। निकट में रहने वाले लोगों ने आपके कई चमत्कार पूर्ण दृष्टांत बताए हैं, जिससे आपका सिद्ध स्वरूप प्रमाणित होता है। ड के इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान तंत्र शास्त्रों में कई प्रकार से मिलता है। ओम ड ड ड, आपने वाम मार्गी अघोर विधि से ही सिद्ध किया ये मंत्र। चिड़ावा के कुछ संपन्न श्रद्धालु परिवारों ने आपको नित्य भोजन कराने का प्रयत्न किया, पर पंडित जी तो हंडिया और लठिया लेकर जहां मन मौज आई वहीं चल दिया करते थे। कहीं भी कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता वही खा लेते थे और मस्त रहते थे। जहां बैठे रहते वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर देते। इसी कारण कई लोग आपके संपर्क में आने से घृणा करते थे। सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला की भक्ति। श्री पन्नालाल जी चौरासिया के मंदिर के आगे बने शिवालय में पंडित जी अंत समय तक रहे। वैसे घूमते हुए कभी कभी भगिनीय जोहड़े में भी बैठे रहते थे तो कभी शमशानों में लेट लगाते थे। जिन लोगों ने परमहंस जी को परख लिया था वो उनकी सेवा में निरंतर रहकर लाभ उठाया करते थे। आपका भयानक रहन सहन देखकर किसी को भी आपके सानिध्य में रहने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ सौभाग्यशाली व्यक्ति ही आपके संपर्क में आने की हिम्मत करते थे। उनमें से एक हैं स्वर्गीय सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला। ये वही जुगल किशोर जी बिड़ला हैं जिनके बिड़ला संस्थान है, बिड़ला मंदिर है और बिड़ला ग्रुप है। स्वर्गीय सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला रोजाना पिलानी से ऊंट लेकर या फिर रथ लेकर शाम को रवाना होते थे और रात भर पंडित जी के सत्संग का लाभ उठाकर प्रातःकाल पुनः पिलानी पहुंच जाते थे। उनके साथ मेहरबा खां कयाम खानी और जानी राम जी भूमिया बराबर आते थे। पंडित जी वैसे तो किसी बात के आदि नहीं थे, फिर भी उनके जीवन में कुछ विशेषताएं मिलती हैं। वो महारानी विक्टोरिया के पैसे को ही लेते थे और पैसे के हाथ न लगाकर उसी हंडिया में डलवा देते थे। उस पैसे का आप दाल का बड़ा खाया करते थे। आज भी पंडित जी को प्रिय प्रसाद दाल के बड़े का भोग लगाया जाता है जिसमें भांग डाली गई हो, और बीबी का पैसा जो महारानी विक्टोरिया के सिक्के का है वही चढ़ता है। स्वर्गीय बिड़ला जी कभी कभी आग्रह करके पंडित जी से पूछते थे कि आज आपके लिए क्या मिठाई लेकर आऊं, और पंडित जी हंसकर ऐसी मिठाई मांगते जो चिड़ावा भर में नहीं मिलती थी। कभी कभी तो सारे चिड़ावा में ढूंढने पर भी पंडित गणेश नारायण जी महाराज के दर्शन बिड़ला जी को नहीं होते थे, परंतु पिलानी लौटते समय पंडित जी भगिनिया जोहड़े के रास्ते में बैठे हुए रोजाना दर्शन दे ही दिया करते थे। चिड़ावा को पंडित जी शिवपुरी मानते थे। एक बार सेठ जुगल किशोर जी ने पंडित जी को पिलानी चलने के लिए कहा। उनके लिए नीले वस्त्रों से रथ सजाया गया, रथवान को भी नीले वस्त्र पहनाए गए और खोज कर नीले रंग के ही बैल मंगवाए गए। किसी तरह पंडित जी से आग्रह करके उनको रथ में बैठा लिया गया, परंतु भगिनिया जोहड़ा आते ही पंडित जी उतर गए। सेठ जी ने पुनः आग्रह करके कहा कि चलिए ना, पर पंडित जी बोले, जुगलिया मन ने शिवपुरी से क्यों काटे है, चिड़ावो शिवपुरी है भाया, मने तो उरे ही रह बादे। इन शब्दों से पता चलता है कि चिड़ावा को कितना पवित्र स्थान मानते थे पंडित गणेश नारायण जी महाराज। उन्होंने कहा, अरे जुगल मुझे तो शिवपुरी में ही रहने दे,
मुझे यहाँ शिवपुरी यानी चिड़ावा से क्यों निकाल रहा है। इसीलिए उन्होंने नवलगढ़ व गुढ़ा छोड़कर चिड़ावा को ही अपना साधना स्थल चुन लिया था। स्वर्गीय सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला से आपका विशेष लगाव था, उनसे बहुत ही घुल मिलकर रहा करते थे, बातें करते थे, क्योंकि बिड़ला जी अक्सर ऊंट पर रोजाना उनसे मिलने आते थे। रात भर उनके पास रुकते और सुबह होते चले जाते। पंडित जी ने एक दिन बिड़ला जी से कहा, रे जुगलिया, आज तो तेरो चौखो दिन छह वाया, करनी बढ़नी चालू राख जे, जा कलकत्ता भाग जा। सेठ जी ने सुना और अच्छा मुहूर्त जानकर कलकत्ता के लिए सीधे ही जाने का विचार कर लिया। अपना रथ नारनौल वाले रास्ते पर डाल दिया। चौदहवीं की रात थी। रास्ते में बाई तरफ काला सर्प फन उठाए बैठा मिला, जो उनके लिए अच्छा शगुन था, परंतु सेठ जी उसे अपशगुन समझकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही पंडित जी ने वापस आने का कारण पूछा, तो सेठ जी ने सर्प वाली घटना कह सुनाई। फिर पंडित जी बोले, रह जुगलिया, तू तो गलती कर दी भाया, तू चलो जातो तो चक्रवर्ती बन जातो, जा अब भी तेरी सारे है कीर्ति फैल जाएगी, जा जा। ये शब्द सुनकर सेठ जी कलकत्ता चले गए और उनका वहां पुराना धंधा था वही करने लगे। कुछ ही दिनों में खूब पैसे कमाने लगे और धीरे धीरे सभी कामों में सफल होते चले गए। आज ऐसी स्थिति है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम और यश फैला हुआ है, और ये सब पंडित जी की ही कृपा का फल है। और पंडित जी का दिया आदेश, करनी और बढ़नी चालू राख जे, और वही नियम अनुसरण किया जा रहा है। आज भी हर बिड़ला मंदिर और बिड़ला जी के हर संस्थान में कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चलता रहता है। बोलिए पंडित गणेश नारायण जी महाराज की जय। भगिनीय जोहड़े से पंडित जी का विशेष स्नेह देखकर उनकी यादगार में बिड़ला जी ने जोहड़ का एक घाट बनवाया और उस घाट पर बहुत ऊंचा उनकी स्मृति में गणेश लाट के नाम से एक स्तूप बनवाया। स्तूप पर गणेश लाट के ऊपर विक्रम संवत 1959 में जुगल किशोर जी बिड़ला ने अपने पिता के नाम से इसे बनवाया था। इस स्तूप पर चढ़कर देखने से पिलानी साफ साफ दिखाई पड़ती है और चिड़ावा का दृश्य बड़ा ही मनोहारी दिखाई देता है। ये स्मारक आज भी गर्व से खड़ा पंडित जी के चिड़ावा प्रेम की याद दिलाता है। पंडित जी के अनेक रूप धारण करना। पंडित जी अनेक रूप योग बल से धारण कर लिया करते थे। कभी कभी सांड का रूप धारण करके बिड़ला जी के रथ के बैलों को डरा देते थे, और कभी कभी शेर बनना, और कभी अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना उनके लिए साधारण बात थी। पंडित गणेश नारायण जी महाराज ने 84 के शिवालय में ही पार्थिव शरीर का त्याग शक संवत 1969 पौष सुदी नवमी गुरुवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किया। इनका जन्म भी पौष माह में गुरुवार को ही हुआ था। पंडित जी ने शरीर अपनी इच्छा से त्याग कर दिया, साथ ही संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को ये सूचना भी दे दी थी, परंतु कोई समझ नहीं सका और आपने चोला बदल लिया। चिड़ावा के सभी वर्गों के लोग पंडित जी को अपना कर्तव्य समझकर अपने अपने कामों में जुट गए। बिश्ती रास्ते में पानी छिड़क रहे थे, हरिजन झाड़ू निकाल रहे थे और खाती बैकुंठी तैयार कर रहे थे। भजन मंडली भजन गा रही थी। कुछ श्रद्धालु भक्त अंतिम शोभा यात्रा की अनुपम योजना बना रहे थे। नारियल, पतासे, कपूर, गुलाल और धूप के ढेर लग रहे थे। बाबा की अंतिम शोभा यात्रा नगर के प्रमुख रास्तों से होती हुई शमशान तक पहुंची, तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के सामने आपकी आरती उतारी गई और सभी प्रमुख रास्तों पर जाते हुए अपार जनसमूह ने आपके दर्शन किए और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर अंतिम प्रणाम किया। पतासे और पैसे भारी मात्रा में ऊपर से उछाले जा रहे थे, परंतु भारी जनसमूह के इकट्ठा होने के कारण जमीन तक नहीं पड़ने पाते थे, उन्हें ऊपर ही प्रसाद स्वरूप ले लिया जाता था। चिड़ावा के इतिहास में परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज की अंतिम शोभा यात्रा
चिर स्मरणीय रहेगी। अपार जनसमूह के जय जयकार से आसमान गूंज रहा था। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु भक्तों की भावभीनी श्रद्धांजलि लेते हुए बाबा चिर साधना स्थान शमशान भूमि में पहुंचे। इस प्रकार पंडित जी का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। शमशान भूमि में जहां पर अंतिम संस्कार किया गया वहां पर एक मंदिर बना दिया गया और श्रद्धालु भक्त स्वर्गीय श्री जुगल किशोर जी बिरला ने वहां पर उनके स्मारक के रूप में बहुत ऊंचा स्तूप निर्माण करवाया, जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश और आदिशक्ति भवानी की संगमरमर की मूर्तियां लगी हुई है। आज भी चिड़ावा के सभी लोग आपको ग्राम देव मानते हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंडित जी के दर्शन करने जाते हैं। चिड़ावा की जनता में किसी भी मांगलिक अवसर पर देवी देवताओं के गीतों के साथ पंडित गणेश नारायण जी महाराज बावलिया बाबा के गीत अवश्य गाए जाते हैं। आपकी निर्वाण तिथि पौष सुदी नवमी को आपके मंदिर पर मेला लगता है। इस दिन हजारों की संख्या में भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। प्रति गुरुवार को उनके मंदिर में भजन कीर्तन सारी रात होते हैं। इस दिन सैकड़ों भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। सच्चे मन से शरण में जाने वालों को पंडित जी मन इच्छा फल प्रदान करते हैं। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी अनेकों भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज की प्रिय वाणी है, पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ते हल ना चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आए कटा दे गल, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो भीख मंगा दे जिसके लारे लश्कर दल, पल भर में वो राजा कर दे, पल में कर दे वो निर्बल। कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता लावे घड़ी न पल। बोलिए पंडित गणेश नारायण जी महाराज की जय, बावलिया बाबा की जय। अब आज्ञा दीजिए आपके दोस्त तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। देखते रहिए टीवी का टीवी। नमस्कार।